दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में पहले बौखलाए वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने दी भारत को सरेआम धमकी। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए भारत को सरेआम धमकाया है। साथ में भारत को धमकाते हुए सूर्य के खिलाफ खौफ का उजागर भी किया है और भारत के खिलाफ एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौलना लाजमी है। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने चौथे T20 मुकाबले से पहले भारत को धमकाते हुए क्या कहा है, तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे मुकाबले में भी भारत को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में करो या मरो के रूप में खेले गए तीसरे मुकाबले में प्रोविडेंस स्टेडियम के अंदर भारतीय टीम ने सूर्या के विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते मुकाबले को 7 विकेट से जीता और सीरीज में रोमांच बराबर रखा। जिसके बाद अब चौथा मुकाबला फ्लोरिडा के मैदान पर 12 अगस्त को होने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने चौथे मुकाबले से पहले भारत को जमकर धमकाया और धमकाते हुए भड़काऊ बयान जारी किया है, जिसमें वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी निकोलस पूरन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे मुकाबले में बेशक जीत गई हो, लेकिन चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले के अलावा भारतीय टीम का काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने सिर्फ पिछले मुकाबले में जीत हासिल की, उसके असली हीरो सूर्या रहे। ऐसे में अगर सूर्या एक बार फिर से चलते हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है, अन्यथा हमारी टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारी टीम फिलहाल काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पावल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं कर पा रही। जहां पर पहले दोनों मुकाबलों में भारत को हार मिली, लेकिन तीसरे मुकाबले में भारत ने जीत के साथ वापसी की, परंतु अगले मुकाबले में भारत को जीतना लगभग असंभव है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में अगर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं तो भारतीय टीम को जीत को उम्मीद रह सकती है, अन्यथा भारतीय टीम को चौथे मुकाबले में सीरीज में हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं वेस्टइंडीज के गेंदबाज सिमरन हेटमायर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हमें मालूम था कि हमारी टीम T20 काफी ज्यादा मजबूत है और हम किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऐसे में अब भारतीय टीम को चौथे मुकाबले में हमसे बचकर रहना पड़ेगा। भारतीय टीम को सिर्फ चौथे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर बल्लेबाजी करने की काबिलियत है, जो उन्होंने तीसरे मुकाबले में किया है और भारत को जीत दिलाने में मदद पहुंचाई थी, और ऐसा प्रदर्शन चौथे मुकाबले में देखने को नहीं मिला तो भारतीय टीम को हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में जीत कर पाएगी या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।